KBPS News. नमस्कार, एबीपीएस न्यूज के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो इमरजेंसी के समय भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस समाज के लिए लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दी थी। हमारे साथ हैं सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अबरार अहमद जी। अबरार अहमद जी से हम जानेंगे कि गाँव की वर्तमान स्थिति क्या वही है जो उन्होंने कभी सोचा होगा। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, आज जो गांव की स्थिति है, क्या आपने कभी ये सोचा था कि गांव की स्थिति ऐसी ही रहेगी या इससे अच्छी के विषय में सोचा? आज़ाद 45-47 में हुआ है, वहाँ से श्रीपद मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे, उन लोगों की मांग तहसील नहीं दे पाए, सारे कई कैबिनेट मिनिस्टर वो नहीं गए। मैंने बल्दीराग तहसील बनवाया, मैंने बल्दीराग में इसौली में गाँव में लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज किया, CSC अस्पताल बनवाया, मैंने पावर हाउस बनवाया और उसके बाद अपने गांव में CSC बनवाया, गांव के बगल दूसरा पावर हाउस बनवाया, डिग्री कॉलेज मेरा निजी है और सेवाएं देने के लिए नहीं पा रहा हूँ। जमीन गई समझे, हर जमीन भी खरीदना पड़ा, तो गांव की स्थिति तो बहुत ख़राब थी, आज भी। अब आप सुनाइए, जैसे हम मजदूर काम कर रहा हूँ मनरेगा का, इतनी हालत खराब है, सब प्रधान और खासा बंद है। अच्छा, जो लैट्रिन बनाया है बेचारे बनवाए हैं, उसका पैसा फंसा है, अभी इसको कौन देगा? DC मनरेगा है, अभी हमने हमारी निधि में पैसा गया था पिछले साल का, तो हमने सब पैसा उठा के सोलर लाइट ले दिया, क्योंकि लाइट वाइट रहती नहीं भाई गाँव, तो लूट दे दिया। अच्छा, ठेकेदार वो CDO का रिश्तेदार था, हमने उन्होंने काम दे दिया, वो बेचारा 50-60 सीट लगा दिया। अब DC मनरेगा कोई श्रीवास्तव तो आए हैं, वो कह रहे हैं टेंडर करने के लिए। आप ये बताइए कि आपने खर्चा किया है, टेंडर अगर कोई कर लेगा तो उसको वापस करेगा? तो हमारी लड़ाई इस तरह की है और गांव की स्थिति, हमारे जितने विधानसभा गाँव में हैं वैसे नहीं कहते, ठाकुर छोड़ के पंडित छोड़ के कोई गाँव बचा नहीं, भी विकास लग गया हूँ, चाहे हैंडपम्प चाहे सड़क जो भी होगा एक तरफा क्यों क्यों नहीं किया, इसलिए कि ये लोग हमको कोई नहीं दें। 50 साल में दो आम लोग विधायक थे, हमारे इलाके सड़कें नहीं बनी थी, सड़कों में जाल बिछ गया हमने, जितने नीचे साफ सड़क। तो गांव की शक्ल अगर अपनी बदलना है तो गांव को बदलोगे, अपने नहीं बदल पाओगे तो गाँव नहीं बदलेगा। बस विधायक जी, आजकल देखने में आता है कि बहुत से उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह हैं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, स्कूल है तो टीचर नहीं। अब आप से बताएं, स्कूल तो मैं एक ज़माने में शिक्षा बोर्ड चेयरमैन भी था, फिलहाल उस ज़माने में कम से कम 12,000 टीचर कम थे। अब आप बताइए, उस दिन ये 2005-06 की बात है, सेवाएं कम हुए, रिटायर होने कभी भर्ती हुई? अभी ये मोहल्ले में ये कुछ अखिलेश किया था, अच्छा किया था, लेकिन अभी ये हैं सबके जाँचें होती हैं। अब आप बताइए कि आंगनबाड़ी की महिलाएं काम करती हैं गांव में, मेहनत करती हैं भाई, 100-500 पूरी बराबर नहीं, कोई सही करते कोई अपने घरे हो जाए, लेकिन ज़्यादातर वो काम करती हैं, अगले तनख्वाह वाला उसको काट दें। इसलिए जब आप कर्मचारी हैं खुशहाल रहेंगे तो जनता की खुशियों में शरीक होंगे, नेता बहुत वो है लेकिन जनता को खुशहाल नहीं करता तो भंगी है, क्योंकि ईमानदारी और नेक नीति से बढ़ के दुनिया में कोई ताकत न कोई पैसा है। इस समय अगर ब्लॉक की हम बात करें तो ब्लॉक में एक एक ग्राम पंचायत पर एक सचिव होना चाहिए जो नियम कहता है, लेकिन 10-10 ग्राम पंचायतों पे मात्र एक सचिव है, जिसकी वजह से एक ठेकेदार के रूप में काम कर रहे हैं। तो भाई देखिए, उसमें बंटवारा हो रहा है, CDO से लेकर और पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान तक पैसा बांटते हैं, नाम तो बहुत है ग्राम विकास। मैंने अपने इलाके में अगर मैं डंडा लेके लाठी लेकर चलता तो शायद कि मेरे क्षेत्र में टकरी पड़ती अधिकारियों की, लेकिन आपके द्वारा दो चार हाथ बना दे ही सब कांपत है,
लेकिन इसके बावजूद जब आदमी नहीं करेंगे क्या, वो भाई आप इतने आदमी हैं चैनल में, अगर इसमें आधार कार्ड दें तो क्या करेंगे, बहुत सी बातें आप करेंगे, बहुत आप करेंगे चैनल के फायदे में, तो बहुत कमी है गांव में। एक तो सबसे बड़ी चीज जनता में, जनता जागरूक नहीं है। चुनाव में जाइए तो पैसा मांगती है। अच्छा, हराम के लूटे रहते लोग देते हैं। मेरे ज़िले में विनोद सिंह चुनाव लड़े थे बसपा से, 8 करोड़ रुपये खर्चा किए थे। मोनू 5-6 करोड़ खर्चा किए हैं। वो पांडे जो ना उन्होंने आखिरी दिन 70 लाख रुपये बांटे हैं, समझा। अरे के जिन्हें वो पीस पार्टी बोल रहे हैं MIM से, उन्होंने लाख कई लाख रुपये खर्चे, 50 लाख खर्च किए बेचारे, 38 करोड़ काटने मारा हमारे काटने। तो मतलब ये है कि हमने एक बात कही कि अगर आप अच्छे हैं जनता के लिए हैं तो जनता आपके लिए फ्री रहेगी। जिसमें दल चुनाव लड़ रहा था, मेरे पास बखुदा 10 रुपया नहीं था, लेकिन मुलायम सिंह का दौरा था, अटल बिहारी दौरा था, 15 किलोमीटर में मेरा कारवां था, और जितनी भी उस वक्त साधन थे, साइकिल, टैक्सी, रिक्शा, ठेला फेला, अगलम बगलम बिक्रम विक्रम, पूरे रोड पर छाप चल रहे थे। दरोगा एक तरफ आगे SP DM थे, पीछे SP थे, बीच में DYSP थे, कि भाई जल्दी कर दो। नेताजी के नेताजी ने मन से कहा कि मुझसे गलती हुई, अब की कह दो कि हम अब अगले दरवाज़ा खुला है हमको, हम नहीं जानते, अगर इनको हम छोड़ देंगे तो मिट जाएंगे, इनको बना हो जाए। तो यह साफ बात यह है कि गांव सुधरने के लिए एक ही तरीका कि जब मैं सुधर जाऊंगा, चाहे गांव हो चाहे गांव घर हो, जब मैं बिगड़ा हूँ तो घर भी बिगड़े, गांव बिगड़े। आप मेरे गांव जाइए, मेरे क्षेत्र के गांव जाइए, अगर कोई चीज़ मेरे स्तर की कमी हो बता दीजिए, हम इस्तीफा दे देंगे। इस समय जो पोजीशन चल रही है, जैसे शौचालय बन रहे हैं, अब शौचालय का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है विधायक जी, लाभार्थी जाता था नहीं जाता था, लेकिन उसके बाद भी FIR जो हो रही थी वो पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ हो रही थी। वही तो सुन लीजिए, अधिकारी कर्मचारी मिला होता है, पंचायत प्रतिनिधि को पड़ता होता है, ऐसा भी है, होना भी चाहिए। कई प्रतिनिधि ऐसे भी हैं कि पूरा डकार जाते हैं, हमको पंचायत भी करना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है। लेकिन FIR से ना प्रतिदिन का नुकसान होता है, खाली जहाँ FIR होती है उसको फायदा होता है, जिस थाने में होती है उसको फायदा होता है। तो ये FIR एक राजनीतिक पॉइंट ही माना जा सकता है, और क्या, कासगंज में क्या हुआ अभी, मतलब बताइए, कुछ लड़के तिरंगा फहरा रहे थे, ये 4 टू तिरंगा 50 टू भगवा लेके पहुँचे, बवाल कर दिया, मारा उन्हीं के गोलों से, मतलब संप्रदायित हो गया। बेटा वहाँ बरेली में क्या हुआ, DM ने वायरल किया कि क्या जरूरी है हिंदुस्तान, मतलब कि आप भगवा झंडा लेकर तिरंगा जरूर लगा लिए, मुसलमानों मोहल्ले में जाके नारा लगाइए, क्यों लगाए, और सच्चाई कहा। लेकिन वह केशव मौर्य मुख्यमंत्री का कार्रवाई हो, आइए तो निकाल देगा उनको, अरे भाई मतलब ज़्यादा उनका बाबू बना देगा, NXC में बैठा रही है, सचिवालय में बैठा रही है, सही है, लेकिन उसने मर्दानगी काम किया। पिछली सरकार में बहुत सारी योजनाएं चली थी देहात क्षेत्र के लिए, और वो बंद कर दी गई। अरे भाई देखिए, ये विधवा पेंशन लड़कियों के लिए जो तमाम पैसे मिल रहे थे, पढ़ाई स्कॉलरशिप, कन्या विद्याधन, और ये एक पेंशन और थी, लैपटॉप तो दिया, एक पेंशन और थी समाजवादी पेंशन, सब बंद कर दिया, और सबकी जांच करो। ये आपने देखा, एक बिल्डिंग यहाँ बनी है वो कर्पूरी ठाकुर के ऊपर, वो जयप्रकाश नारायण को है, एक पासी विधायक हुआ है राजमंत्री, वो जांच करने गया था। बताइए तुमको अपनी मलैया की तमीज नहीं, कैसे रखे हो इतनी बड़ी, इतनी अच्छी बिल्डिंग, आपने देखा होगा उसको, अच्छी बनी है ना, वो जांच करे गए। आगरा पे है हाईवे एक्सप्रेस, उसकी जांच करवाए, जो अधिकारी जांच किए उन्होंने रिपोर्ट में दे दिया कि कम वक्त में कम पैसे में सड़क तैयार, वो क्या कहते हैं जेट विमान उस पर उतारा गया, और एकदम अखिलेश जमाने में कई बार योगी उतारे। तो मतलब अच्छा काम करने वाले का विरोध हो,
चाहता है कि मतलब लोग पीड़ता बढ़ जाएगी उसकी, और जो जो बेईमान है उनका डंडा डरा लोगे। अब आप देख लीजिए, आप तो देखते होंगे विधायक दस दस बंदूक चले थे। मैं इतना झेलने के बाद भी तनहा चलता हूँ, एक गनर दिए हैं चलो भाई, जबकि छुट्टी हो जाए और दुश्मनी, मतलब दुश्मनी भी होती राजनीति में, लेकिन कई विधायक ऐसे हैं, कई क्या 90% कि बिना बंदूक के फिर नहीं सकते। अब अभी पेपर में आदम पढ़ रहे थे कि कोई भाजपा विधायक चौकी इंचार्ज को मारा, उनको बर्खास्त कर दिया, वहाँ फूलपुर की बात है इलाहाबाद में। तो मतलब बताइए गांव कहाँ जाएगा, प्रतिनिधि होने आप पर, हम प्रतिनिधि हैं या आप प्रतिनिधि हैं, हम आपसे हक की बात करेंगे, हमने आपको जिताया और आप उसको मारेंगे भगा देंगे। मतलब अगर यही पहला साल है और आखिर ना हो आना तो आपको दोबारा है। तो हमारी, तो हमारी राजनीति अगर आप देखेंगे ताज्जुब करेंगे कि गाली भी देते हैं और ये लोग वोट भी देते हैं और साथ ही लगे रहते हैं। आपको पब्लिक के लिए और सरकार के लिए ऐसा क्या संदेश है जिसकी वजह से गांव का विकास पूरे प्रदेश में हो सके? सरकार सुन लिया, सरकार के लिए कोई संदेश नहीं, इसलिए सरकार खाली जबानी है, कुछ नहीं हो रहा है। 3 साल से ज़्यादा हो गया केंद्र में, आप बताइए उत्तर प्रदेश में केंद्र ने क्या किया? बनारस उनका लोकसभा सीट है, कितना काम हुआ है, सब समाजवादी पार्टी किया हुआ है, हम लोग भी देंगे हैं। या जहाँ कहीं सब पत्थर लगा, मेट्रो के देखो हैं, जिस दिन पहले दिन मेट्रो गए मेट्रो खराब हो गई, हो गई थी ना। तो भाई देखा, हम आपका क्या संभाला, अगर का संभाले तो जिम्मेदारी लीजिए सही बात बोलने के लिए, लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं है। ऐड में जाते हैं हम देखते हैं जौन जौन भाषा है, दो तीन जने भाजपा के तो नामित हैं, उनको तमीज नहीं है। जिन्हें शर्मा जो वकील हैं वो हैं बिजली मंत्री, जब तक बाहर निकलते मार गिरा दिए जाते हैं। 90% 90 घंटा का बिजली, 24 घंटा मुश्किल से दिनों रात मिला के 6-7 घंटा बिजली जा रही है। क्यों मांग हो रही है सोलर लाइट की, आप बता दीजिए। हमने पिछली सरकार में सैकड़ों सोलर लाइट लगाया, आपके सब पैसा हमने सोलर लाइट को दे दिया, सिर्फ कि जनता को तकलीफ ना हो, समझे। और ये आपने सवाल किया था, टीचर नहीं है अस्पताल में, डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर हैं सर्जन हैं तो उनका वो है क्या ना, कौन नर्सिंग होम है, अस्पताल के मरीजों को वहाँ कहते हैं वहाँ ऑपरेशन वहाँ करें, पैसा कमा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, हम लोग था कांपते थे डॉक्टर, ये डॉक्टर बीपी सिंह थे आजम साहब, ये कीमानी वहीं बैठे थे जमीन में, हम पर क्या नाटक है, चलो भगा थे। आए हो डॉक्टर हो सर्जन हो ड्यूटी में तो करीने से बैठो, ये करने की तो मक्कारी है। तो ये हाल है अधिकारियों के। अच्छा, गांव की दशा को सुधारने के लिए कोई आपके मन में कोई ऐसा संदेह? हमारे मन में तो 100% है कि हम अपने गांव में सुधार पाएंगे, जितने हैं दूसरे के नहीं। हमारे यहाँ एक बिधुए नाला पड़ता है इसवली में, फैजाबाद के बॉर्डर, वो नाले का पुल बहुत जमाने का बना हुआ है, आज का नहीं है, टूट गया था। संजय सिंह MP गए फोटो खिंचा के चले जाए, मोनू वहीं रहने वाले हैं, नारायण तिवारी भी वहाँ के रहे हैं, ओम प्रकाश पांडे शिक्षा मंत्री थे, वो अंबिका सिंह थे, लेकिन उस पुल कुछ नहीं बनवाया। जिस दिन मैंने देखा तो लोगों ने कहा कि बहुत लोग देख चले जाते हैं और बनाया कोई नहीं। हमने कहा जब बन जाएगा तभी आए, भाई साहब पुल बन गया। अभी तक लोग मुझसे कह रहे पत्थर लगा दो हमको, पहले देखो उसको, उसकी मजबूती की गुणवत्ता देखो। तो हमने तो बहुत कुछ किया है, और यही वजह है कि अब हमने 50,000 मांग लिया, मान ले होता है व्यवहार में तो हम देने पोबे, अपने घरे वाले ने दे पोबे, मेरे लड़के एक्सीडेंट हो गया दवाई पैसा नहीं मेरे पास। पुलिस हमारे थाने में 3.5 थाना पड़ता है, और दो 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 तीन चार चौकियाँ पड़ती हैं,
यकीन मानिए कि रामचंद्र जो हैं पंडित मिश्रा हैं वो हमारे उनके बाप हमारे रियाया थे, लेकिन इस वक्त वो अधिकारियों पर इस तरह जमे हुए हैं, दरोगा वरोगा मतलब करते हैं। आप गए देखे कि भैया उनके पास पैसा हो, लेकिन लगा लिया पकड़ा ली 10,000-20,000-50,000 दलाली हो रही है। यकीन मानिए अभी हमने परसों वो किया था खिचड़ी भोज, हमने कहा ब्लाउज तो मतलब हजारों आदमी तो बैठे सब साथ में खाना खाए बादल हुआ, तो हमने कहा कि दरोगा से मतलब वहीं बैठे थे, हमने कहा अब मैं ना सीपी कहूँगा ना DIG कहूँगा, डंडा और झंडा लेकर थाने पर दौड़ा करूँगा, थाने के ठोक करूँगा। कह रहे SP समझ में आया, दूसरे का लाइन हाजिर गए, हमें लगे था बिना मार खाए जाप करिए। भाई देखिए दरोगा कहीं बिलाए कुछ नहीं हमारे ना आपको परिवार के द्वारा, हमने उनको बैठ कर समझाया कि जनता का विश्वास लो, इसलिए कि जनता की सुरक्षा के लिए आप आए हैं कि हमारे सुरक्षा छोड़ रहा, हम तो वैसे हमारी सुरक्षा तुमको मजबूरी करना पड़ेगा जनता की समस्या, लेकिन नहीं 20-20, 15-15 साल लड़का को बुला के दलाली करते हैं, पैसा उन्होंने दे दिया 100-200 जाप मोतरा और लोग लूट रहे हैं। खासकर पवार थाना हमारा खुद का थाना है, कोई त्योहारी है सम त्योहारी, हमने उनको कई बार बेइज्जत किया लेकिन सुधर नहीं हो, रामचंद्र का उनके ऊपर हाइज हुए। अच्छा सरकार भाजपा की अव काशी अपराध कहानी का बना जिनका जाना था पूरे हिंदुस्तान को ही गाई, जैसे मोदी झूठ बोले थे वो झूठ बोले थे। तो ये थे अबरार अहमद जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और अपने क्षेत्र के विकास को लेकर भी काफ़ी चिंतित रहते हैं और काफ़ी सारे विकास के काम इन्होंने अपने क्षेत्र में कराए हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इसी तरह के कार्य कराने के लिए ये विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाएं ताकि उत्तर प्रदेश के जो गांव पिछड़े हैं और जिनमें विकास की अभी तक कोई बात नहीं पहुंची है पहुंच सके। ABPS न्यूज़ के लिए लखनऊ से अजय प्रताप सिंह।